खबर गुंडा से जहां जमीनी विवाद में पैसों के लेन देन में हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। 22 जुलाई को युवक पर नुकीले हथियार से हमला कर की गई थी हत्या। पुलिस ने युवक की हत्या में शामिल अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। मृतक रामबरन के पिता का आरोपियों से था जमीनी विवाद। मामला थाना छपिया क्षेत्र के मछरहवा गांव का। किसी घटना का खुलासा क्या है, क्या है पूरा मामला सर और कहां गया? माह जुलाई में थाना छपिया क्षेत्र में एक रामबरन मौर्य नाम के एक व्यक्ति की हत्या हुई थी। ये हत्या अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध पंजीकृत की गई थी। ये अत्यंत ही चुनौतीपूर्ण घटना थी जिसका खुलासा अब तक लंबित था। थाना छपिया की टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए इस घटना का अनावरण किया और साथ ही साथ दो अभियुक्त इसमें जो घटना में शामिल थे उन दोनों को गिरफ्तार किया। एक अभियुक्त प्रदीप है जो मृतक का भतीजा है और दूसरा उसी गांव का रहने वाला मायाराम है जो कि एक हिस्ट्री शीटर है और पूर्व में भी लूट हत्या इत्यादि मामलों में जेल जा चुका। जब घटना के पीछे के मोटिव के बारे में जानकारी की गई तो ये पता चला कि एक जमीन के बैनामे का मामला था जिसमें मृतक के पिता ने किसी एक व्यक्ति को बैनामा कर रखा था और उससे उसका विवाद चल रहा था। इसी बीच मृतक के भाई ने जिसका पुत्र ये आरोपी है उसने इसके दूसरा बैनामा एक व्यक्ति को कर दिया और उस बैनामे का हिस्सा भी मृतक को नहीं मिला था। इसके लिए बार बार टोकता था, मृतक बार बार कहता था कि ये जो दूसरा बैनामा है गलत है, उसको वापस कर दो पैसे और जो न्यायालय का फैसला होगा जिसमें बात चल रहा है उसके हिसाब से हम लोग इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। इसी चीज़ से क्षुब्ध होकर आरोपी प्रदीप ने अपने एक साथी मायाराम जो कि हिस्ट्री शीटर है उसके साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही साथ आला कत्ल जो सुआ था उसको भी बरामद किया गया, न्यायालय के समक्ष इनको पेश किया जा रहा है। सर, ये हत्या का खुलासा किया गया है, इस मामले में जो आरोपी है उसने मंत्री से मिलकर वहाँ लगाई थी कि इसका विवेचना दूसरे थाने से कराई जाए, इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का पत्र भी लिखा हुआ है, इसकी विवेचना दी विवेचना करें। देखिए, मैं जैसा बताया आप लोगों को अभी ब्रीफ भी किया था क्योंकि मामला ये अंदरूनी था और इसमें हो सकता है कि प्रार्थना पत्र दिया हो, लेकिन इस घटना का बिल्कुल सफल अनावरण करके पुलिस टीम ने एक सराहनीय कार्य किया है और उसे गिरफ्तार किया है और उसको जेल भेजा जा रहा है। इस पर पुरस्कार भी दिया गया? हाँ, इस पर 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार मेरे द्वारा पुलिस टीम को दिया। थैंक यू।